तुमने पीछे वाले लेक्चर्स देख लिए क्या? सारे अंकित, तुम्हारा कुछ छूट गया हो? तुमने देख लिया ना पीछे का? यस मैम, मैम बस पीडीएफ से मतलब पढ़ लिए थे मैंने, तो मैंने वीडियोस तो नहीं देखी। वीडियोस देख लेना बेटा, बहुत कुछ करा रखा है वीडियोस में जो पीडीएफ में नहीं है। ओके मैम, देखो मैंने ये प्रॉपर्टीज तुम्हें बता दी थी लास्ट टाइम। बोलो हाँ या ना, मैंने बताई थी क्या? मैंने प्रूफ करना भी अच्छा बताया होगा कि भाई अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो आप क्या करो, साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर लो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, साइन थीटा। अब थीटा, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस पाई बाय टू माइनस थीटा, ये लिख सकते हो। ठीक है, अब इस कोस को दूसरी तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू माइनस थीटा। यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, इसको आप लेफ्ट में ले जाओ, प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, और थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन साइन इनवर्स। में तो कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स आपका क्या हो गया, पाई बाय बाय। बाय टू। ठीक है, इजी है इसका प्रूफ भी, अगर मान लो देखना हो आपको तो। बाकी दोनों भी ऐसे ही है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स भी पाई बाय टू होता है, टेन और कोट भी पाई बाय टू होता है। अच्छा ये जो है ना कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर एक्स की जो वैल्यूज है वो आप -1 to 1 ही रख सकते, क्योंकि क्यों, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स की डोमेन ही वो है। ठीक है, नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन। इसी तरीके से सेकेंट इनवर्स एक्स और कोस सेकेंट इनवर्स एक्स का सम करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, पाई बाय टू। ठीक है, यस चलो क्वेश्चन ट्राई करो। पिछली प्रॉपर्टी अभी जो कराई है उसको यूज करके कर सकते हो क्या? ये कुछ साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो आप इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स पाई बाय टू माइनस कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या है, कोस पाई बाय एन। अब ये मैंने लास्ट क्लास में सॉल्व करना सिखाया था, इसकी वैल्यू क्या आएगी। पाई बाय टेन जो है, हाँ मैम, वो कोस इनवर्स की रेंज में लाई करता है। तो मैंने बोला था अगर ऐसा केस बन जाए तो डायरेक्टली जो वैल्यू पुट कर रहे हो अंदर वही का वही क्या आ जाएगा आपका आंसर, मतलब पाई बाय टेन। तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टेन कितना हो गया, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टेन, टू पाई बाय फाइव, टू पाई बाय फाइव मीटर, टू पाई बाय फाइव। ठीक है, आई करनी प्रॉपर्टी यूज, ये वाली यस प्रॉपर्टी यूज की है मैंने यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय टू। नेक्स्ट ट्राई करो, चलो इसका आंसर बताओ। बाय बाय एट। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, पाई बाय टू माइनस कॉट इनवर्स कॉट थ्री पाई बाय एट, ये आपको क्या देगा, थ्री पाई बाय एट। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पाई बाय टू माइनस कर दो, पाई बाय एट आपका क्या है आंसर है। ठीक है, क्लियर है? तुम पांच ही हो बच्चे, मेरे को चैट में यस तो लिख दो एटलीस्ट। चलो ये ट्राई करो।
करोगे उसको? साइन इनवर्स एक्सप्रेस साइन इनवर्स वाई दे रखा है आपको, आपको ये निकालना है। अगर आप इसको थीटा मान लेते हो और दोनों को ऐड कर देते हो तो क्या बनेगा एलएचएस में? देखो प्रॉपर्टी यूज हो जाएंगी यहाँ पे, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 2π/3 प्लस थीटा के इक्वल। एलएचएस एलएचएस में ऐड कर दिया और आरएचएस आरएचएस में ऐड कर दिया। इसको और यस इसको पकड़ के प्रॉपर्टी बना सकती हूँ, π/2 आ जाएगा। इसको और इसको पकड़ के प्रॉपर्टी बना सकती हूँ, π/2 आ जाएगा। किसकी इक्वल आ गया? 2π/3 प्लस थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? π/3, π/2 प्लस π/2 तो पाई हो जाएगा, ये हो फाइव जाएगा बाय टू थ्री पाई बाय थ्री प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/3। और थीटा क्या था? कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई को मैंने थीटा माना था, तो मुझे यही वैल्यू चाहिए थी, π/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये ट्राई करो। सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है बेटा लास्ट वाली। क्या करोगे? किसी भी एक को चेंज कर लो, π/2 माइनस लिख दो। साइन इनवर्स एक्स मैम पाई बाय 4 आया। साइन इनवर्स एक्स π/4 आ गया, तो आगे सॉल्व करो ना उसको। क्या मतलब है उसका? देखो यहाँ पे आप क्या चेंज कर सकते हो, कोस इनवर्स एक्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखो, और माइनस साइन इनवर्स एक्स अपना पढ़ा ही है, तो ये कितना हो गया? π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से π/2 की वैल्यू क्या आ गई? 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई π/4। इसका मतलब क्या है? कॉस माइनस पाई बाय 4 होगा, कॉस इनवर्स एक्स। नहीं बेटा अंकित, इसको कैसे सॉल्व करते हो? ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर का टॉपिक हो गया है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/4 दे रखा है, क्या मतलब है इसका? अगर वैसे सिंपल अगर समझ नहीं आ रहा तो क्या, देखो इसको ऐसे पुट कर लो। तो 1/√2 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? sin π/4। sin π/4 क्या होता है? 1/√2। ये क्या आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर यस है सबको? यस मैम। चलो ये करो, सेम तरीके से करना, आंसर बताओ इसका। क्या करोगे? कोस इनवर्स एक्स को चेंज कर लो, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स में, वहां से साइन में इनइक्वालिटी बन जाएगी बस। एक भाई इसको आप चेंज करके क्या लिख सकते हो? π/2 माइनस और माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स आपका एज इट इज रहेगा, राइट? ठीक है, ये लिख सकते हो। ये कितना हो जाएगा? -3 साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। अच्छा अब आपको ये वाली निकालनी है। देखो तो पहली बात तो मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की, इसका मतलब एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? -1 to 1। अब इसमें भी मेरा आगे सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन आ गई, साइन इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब
एक्स जो है आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन जीरो नहीं, अच्छा एक बार गड़बड़ कर दी, देखो माइनस साइन था ना तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होएगा, भाई -3 से मैं मल्टी डिवाइड करूंगी तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होएगा ना, लेस देन जीरो मतलब बेसिकली मेरे को ऐसी वैल्यूज चाहिए जो लेस देन जीरो है, और थी आपकी लिमिट ये जो -1 to 1 आप वैल्यूज दे सकते हो, माइनस तो आंसर क्या आएगा फिर इसका, माइनस माइनस वन वन टू जीरो, भाई 0 से छोटी लेनी है और -1 तक जा सकते हो, ठीक यस है? तो चलो करो, आंसर बताओ ये एबीसीडी कौन सा इसमें से, जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2013 का है, बहुत पुराना है, सेम इसमें भी क्या करो आप, चेंज कर लो कोस इनवर्स एक्स को पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स में चेंज कर लो, उसके बाद आपके पास जैसे लास्ट क्वेश्चन में इनइक्वालिटी आई थी ना वैसा ही बन जाएगा। कर रहे हो क्या तुम ट्राई? अंकित बेटा चेक करो जरा एक बार, क्या करोगे यहाँ पे, देखो साइन एक तुम्हें वो ये कंडीशन दे रखी है कि एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, ये भी ध्यान रखनी है, ये क्या है आपका कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको उधर शिफ्ट मारोगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स, ये हो है पाई बाय टू, तो साइन इनवर्स एक्स जो है आपका ग्रेटर देन आ जाएगा पाई बाय फोर, रहा इसका मतलब x किससे बड़ा हो गया, बाय x बेटा x को तो लेके जाओगे तो x इज ग्रेटर देन साइन पाई बाय फोर, साइन पाई बाय फोर क्या होता है 1/√2, ठीक है तो देख लो आप कौन सा ऑप्शन ठीक है, तुम x की वैल्यू 0 to 1 ले सकते हो और तुम्हारी वैल्यू आई है मतलब सॉल्व करके कि x बड़ा होना चाहिए 1/√2 से, तो फोर क्या आपका सेकेंड ऑप्शन हो गया मैम बी वाला क्या? हाँ बी वाला, ठीक है आया समझ क्वेश्चन, यस मैम चलो अच्छा देखो ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, यहाँ पर ना ऐसे डायरेक्ट नहीं चमकेगा, तुम लोगों को आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, जैसे a² + b² तो आपको दे रखा है, +2ab ऐड करो -2ab ऐड करो, एक आइडेंटिटी बनेगी, उसको सॉल्व करके देखो पहुंच जाओगे आंसर तक, समझ गए ना क्या करना है, a² + b² दे रखा है, +2ab ऐड करो मतलब +2 tan inverse cot inverse करो और -2 tan inverse cot inverse करो, तो 1 + 2 tan inverse cot inverse से तो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी, इससे तो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी, इसको तो यूज कर लेना, एक बचेगा तुम्हारा ये, इसमें क्या करना कोट इनवर्स को चेंज कर देना, किसमें अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स में, वहां से तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स को टी पुट करना, वहां से तुम्हारे पास सोल्यूशन निकलेंगे, रूट निकलेंगे, ठीक है उसके बाद इक्वेट करके बताओ फटाफट, मैंने तरीका बता दिया तुम्हें,
देखो मैंने तुम्हें क्या बोला है, 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर। आप क्या करो, 2 10 इनवर्स x कोट इनवर्स x को ऐड कर दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बनेगा आपका, 5 पाई स्क्वायर बाय 8। ये तो गिवन ही है। अब देखो इसको यूज करके आप क्या लिख सकते हो, 10 इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 10 इनवर्स x। अच्छा इसको चेंज कर सकते हो, -1। हाँ ठीक है अंकित बेटा, -1 करेक्ट आंसर। पाई बाय टू माइनस, इसको मैंने चेंज कर दिया, पाई बाय टू माइनस 10 इनवर्स x के अंदर 5 पाई स्क्वायर बाय 8 हो गया। अब ये क्या है, बोलो, अभी पढ़ के आए हो, 10 इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय टू ना पाई बाय टू। पाई बाय इसकी टू वैल्यू पुट करो, पाई बाय टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसको ओपन कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 2 से पाई बाय 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो खाली पाई 10 इनवर्स x बचेगा। ठीक है, प्लस 2 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पाई स्क्वायर बाय 8। पाई बाय टू का होल स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ढंग से लिख लो, नीचे 8 है तो तुम क्या करो, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई स्क्वायर माइनस 8 पाई 10 इनवर्स x प्लस 16 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, ये बेसिकली ये रेखा होगा, 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 8 पाई 10 इनवर्स x प्लस 2 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 10 इनवर्स में बन गई ना तुम्हारी क्वाड्रेटिक। अब देखो ऐसे तो तुम्हें नहीं, मतलब प्रॉब्लम होती है सोल्व करने में, तुम 10 इनवर्स x को टी पुट कर लो, 10 इनवर्स x को टी पुट कर लिया तो ये बन गया आपका 16 t² माइनस 8 पाई t प्लस 2 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स निकालो, -b + -√b² - 4ac, ये हो जाएगा 8 पाई + -√b² मतलब बस 64 पाई स्क्वायर 4a into c। कितना हो गया, 128। चेक करो कितना हो गया, मैम ठीक ऐसे है क्या, वैसे फॉर्मूला मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालते हैं वैसे कि है। अरे को मैंने 5 पाई स्क्वायर नहीं लिया ना कहीं पे, मेरा ये 5 पाई स्क्वायर किधर गया, मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 पाई स्क्वायर के इक्वल आएगा ना। ओके तो इधर जाएगा तो ये -3 पाई स्क्वायर बचेगा इधर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आसानी से हो रहा है क्या, आसानी से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आसानी से नहीं हो रहा तो दिक्कत है। ठीक है, आसानी से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ये कितना आएगा, अब कितना जाएगा, ये 4ac करोगे तो 16 × 12 192। -3 कर लो, अब माइनस साइन आ गया तो -4ac कर रहे थे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2a मतलब 32। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से टी की दो वैल्यूज आ रही है। ठीक है देखो यहां तक तो हम पहुंच गए, 8 पाई + -√64 पाई स्क्वायर + 192 पाई स्क्वायर / 32। 10 इनवर्स x मतलब टी की दो वैल्यूज आ रही है, 3 पाई बाय 4, और जब इसको सॉल्व करोगे -π/4। ये वैल्यू हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये रेंज में ही नहीं है 10 इनवर्स x के, तो ये तो आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बची ये वाली, 10 इनवर्स x क्या आ गया आपका, -π/4, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। क्लियर है क्वेश्चन यस सबको? यस मैम। चलो ये ट्राई करो, देखो डोमेन एंड रेंज निकालनी है, डोमेन निकाल दो, तुम रेंज में बता दो, डोमेन कैसे निकाल दो, बहुत सारे फंक्शंस ऐड कर रखे हैं तो इन सबका कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा, जो साइन इनवर्स एक्स को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, कोस इनवर्स एक्स को भी और टेन इनवर्स एक्स को भी। तो पहले तुम देखो कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, -π/2 टू पाई बाय वन टू और माइनस
माइनस वन टू वन होती है अंकित। रेंज कॉस इनवर्स एक्स की भी क्या होती है, माइनस वन टू वन। टैन इनवर्स एक्स की होती है ऑल रियल नंबर्स। तो अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना, कॉमन पार्ट लेना, क्या हो जाएगा? माइनस -1 वन माइनस वन टू वन। ठीक है, ये तो आपकी क्या होगी, इसकी डोमेन होगी। अब तुम्हें डोमेन पता चल गया, तो एक बार बताओ, यहाँ पर एक्स तुम्हारा बिलोंग कर रहा है माइनस वन टू वन, इसको उठा के मैं क्या लिख दूँ, पाई बाय टू प्लस टेन मैम। इनवर्स एक्स। अब तुम्हें पता है टेन इनवर्स एक्स जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट भाई? इंक्रीजिंग फंक्शन है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मिनिमम वैल्यू पुट करोगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम पुट करोगे तो मैक्सिमम आएगी। तो मैं टेन इनवर्स एक्स की रेंज निकाल सकती हूँ भाई, ये पुट कर लो और ये पुट कर लो, इस पे तो मिनिमम आ जाएगा, इस पे मैक्सिमम आ जाएगा। देखो टेन इनवर्स माइनस वन, टेन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू टेन इनवर्स वन, ये क्या है आपका माइनस पाई बाय फोर लेस देन इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय फोर। ये मेरे को पता चल गया टेन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ठीक है, इस डोमेन में, क्योंकि हमने डोमेन अपनी तरफ से निकाल ली है। अब आपको चाहिए पाई बाय टू प्लस टेन इनवर्स एक्स, आप दोनों तरफ क्या कर दो, पाई बाय, मतलब पूरी इनइक्वालिटी में पाई बाय टू ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐड कर लो इसको, कितना आ रहा है आंसर, फाइव बाई फोर प्लस मैम माइनस पाई बाय फोर प्लस पाई बाय टू करोगे तो कितना आएगा, पाई बाय फोर, पाई बाय फोर प्लस फोर पाई बाय टू करोगे तो कितना आएगा, थ्री पाई बाय टू। अच्छा इधर भी आ जाओ ना, पाई बाय टू, तो आपकी बेसिकली ये आ जाएगी। ठीक मैम। है, क्लियर है क्वेश्चन? देखो ये आपकी क्या है प्रॉपर्टी नंबर, मतलब जो भी कौन सी पे पहुंच गए हम, नेक्स्ट जो भी है, साइन इनवर्स वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स वन बाई एक्स। देखो ये वाला तो मैंने जब मैं तुम्हें ग्राफ समझा रही थी तब भी बताया था भाई, अगर तुम्हें देखना हो तो तुम कैसे देखोगे, रूट टू पुट करके देख लो, दोनों तरफ तुम्हारा सेम आंसर आएगा। ठीक है, इसमें से कुछ प्रूफ की जरूरत नहीं है, रूट टू पुट करके देख लो, दोनों तरफ क्या आएगा, तुम्हारा सेम आंसर आएगा। और अगर तुम्हें करना भी है तो कोसेकेंट इनवर्स एक्स को थीटा पुट करके देखो, कोसेकेंट इनवर्स एक्स को थीटा पुट करो, वहां से एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स क्या हो जाएगा कोसेकेंट थीटा। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वन बाय साइन थीटा लिख सकती हूँ। तो अगर मैं साइन, ये आपके आइए एक्स की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकालने तो क्या हो जाएगा वन बाय एक्स। अब मेरे को थीटा की वैल्यू निकालने तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वन बाय एक्स। थीटा क्या था, कोसेकेंट इनवर्स वन बाय एक्स, तो आ गया। ठीक है, देखो यस मैम। ऊपर वाले दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, प्रॉब्लम हो रही है टेन में जाके, टेन में स्प्लिटिंग हो रही है। अब ये क्यों हो रही है, आप कुछ भी पुट कर रहे हो तो देखो टेन और उसका कोट का ग्राफ देखो एक बार, ये तो है आपका टेन का और ये है आपका, मतलब कुछ इस तरीके का आपका होता है कोट का। तो जब मैं टेन में नेगेटिव वैल्यूज पुट करती हूँ तो मुझे नेगेटिव आंसर मिलता है, राइट? लेकिन यस मैम। कोट में क्या है, कोट में नेगेटिव पुट कर रही हूँ तो कैसा आंसर मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव आंसर मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ना हम लोगों को स्प्लिट करना पड़ रहा है भाई। ग्रेटर देन जीरो पे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव दे रहा है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया टेन इनवर्स वन बाय एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स, देन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। लेकिन जब लेस देन जीरो तो हम देख रहे हैं, कोट तो नेगेटिव आंसर दे ही नहीं सकता, तो इक्वल तो कैसे आएगा, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आप जब माइनस पाई कर देते हो ना कोट इनवर्स एक्स में, तो आपको सेम आंसर मिल जाता है जो आपको टेन में मिल रहा है। ठीक है, और मान लो आपको प्रूफ भी करना है इसका, आप प्रूफ भी कर सकते हो भाई, अगर कॉट एक्स आपका छोटा है जीरो से, तो उस केस में आप उसको माइनस पाई क्यों कर रहे हो, प्रूफ देख लो एक बार। देखो आपको कोट इनवर्स एक्स लेके चलना है व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, यही था कंडीशन, जब आपकी एक्स लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव एक्स। ठीक है, आप क्या करो, एक्स को माइनस ए मान लो, तो एक बार बताओ क्या ए ग्रेटर देन जीरो होगा, ऐसा क्यों लिखा है मैंने भाई, एक्स माइनस ए है तो माइनस ए लेस देन जीरो, तो ए यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ग्रेटर देन जीरो हो गया ना, मतलब यस मैम। माइनस ए तो तुमने एक्स माना है, पर तुम्हें ये पता चल गया ए पॉजिटिव है। ठीक है,
अब आप क्या करो, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, कोट इनवर्स एक्स की जगह आप क्या लिख दो, कोट इनवर्स ऑफ माइनस ए। अब तुमने एक पीछे फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, फाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ ए होता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हो, ए की जगह पे कोई वैल्यू पुट कर सकती हो क्या? अच्छा ए को छोड़ो, आपको कोट इनवर्स और टेन इनवर्स में रिलेशन चाहिए था, इसको मैं टेन इनवर्स में चेंज कर सकती हूँ, पाई माइनस टेन इनवर्स 1/a। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है ए जो है ग्रेटर देन 0 है, तो जब ग्रेटर देन 0 था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोट इनवर्स एक्स को आप टेन इनवर्स 1/x लिख सकते थे, तो मैंने लिख दिया कोट इनवर्स ए को टेन इनवर्स 1/a। अब क्या करो, ए की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू क्या थी लिख सकते हो, ए की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स Yes. टेन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, तो टेन इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/x। Five तो देखो आ गया क्या, आपको टेन इनवर्स 1/x की वैल्यू चाहिए थी, कितनी आ गई, ये कॉट इनवर्स एक्स से चले थे अपन, मैम पाई उधर चला जाएगा तो वही आ हाँ तो जाएगा. माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स आ गया, राइट? ये यस मैम. क्या, देखो यही है आपकी कंडीशन, ठीक है समझ आ गया। देखो बाकी ऊपर वाले दोनों इजी हैं, तीनों इजी है, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 के लिए तो सेम ही है, जो ऊपर अपलोड जो लगा के आ रहे हैं, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1। बस तुम्हें ये याद रखना है कि जब लेस देन 0 है उस टाइम पे tan इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन पढ़ लो। आ गया, ये तुमने नोट कर लिया क्या, मैं इसको रेज कर दूं, फिर ये पीपीटी में नहीं मिलेगा सॉल्यूशन, इसको नो मैम. प्रूफ नोट करना है, अदरवाइज मैं इसको रब कर रही हूँ। नहीं मैम मैं कर रहा हूँ. चलो ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो फिर। पाई आंसर है इसका. अच्छा हाँ बेटा पाई आंसर है। अच्छा तो प्रॉपर्टी पढ़ के आए हो, ठीक है, मैं तो सोचता तुम्हें प्रॉपर्टी यूज करनी है, साइन इनवर्स एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, कोसेकेंट इनवर्स, और उसको सेक ठीक है, तो इन दोनों में कर लेना, और इन दोनों में कर लेना क्या, पाई पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू. बाय टू प्लस पाई बाय टू पाई हो जाएगा, ठीक है, तो आसान था। चलो ये ट्राई करो, अब इसमें क्या है, क्या करोगे इसमें, कैसे करोगे बताओ। पहले तो देखो कोट इनवर्स माइनस 3/4 है, इसको चेंज कर लो, किसमें चेंज करोगे भाई, माइनस है अंदर उसको बाहर निकाल लो, माइनस अंदर बाहर निकलता है, कोट इनवर्स माइनस एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, पाई पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ 3/4। अब ये क्या हो जाएगा, टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा विद द माइनस साइन, ठीक है। अब देखो मेरे को अंदर टेन चाहिए तभी मैं कुछ कर सकती हूँ, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है टेन और टेन इनवर्स की, डायरेक्टली एक्स के इक्वल आ जाता है, राइट, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत आती है जब बाहर इनवर्स होता है और अंदर आपका सिंपल होता है, लेकिन यहाँ टेन बाहर है, तो हमने जब स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी टेन बाहर और इनवर्स अंदर होना, डायरेक्टली जो पुट कर रहे हो आंसर वही आता है, लेकिन आपका टेन होना चाहिए यहाँ पे। अभी अभी प्रॉपर्टी आप पढ़ के आए हो क्या, ये ग्रेटर देन 0 है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, टेन इनवर्स ऑफ 4/3 लिख दू, यस मैम वो चेंज हो जाता है 1/2 करके. यस ठीक है, तो कर लो सॉल्व। अब तो क्या ही रह गया, 4/3 आंसर आ जाएगा, माइनस फोर बाय थ्री, माइनस एक हो माइनस आगे गया भी है, ठीक है, माइनस 4/3 आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। सेम आपका अगला क्वेश्चन है, चलो ये ट्राई करो, देखो ये तो बिल्कुल ही वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो तुम पढ़ के आए हो फॉर्मूला वो ही है ये, एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रखा इन्होंने, ऐड कर रखा है बस भाई, टेन इनवर्स 1/x का फॉर्मूला पढ़ के आयो ना तुम,
क्या पढ़ के आए हो? 2 में स्प्लिट हो यस रहा था, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तुम पढ़ के आए थे क्या? कोट इनवर्स एक्स ही है कब? जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, और माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स है कब? जब एक्स लेस देन 0, यही पढ़ के आए हो। आपको चाहिए क्या? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 1 बाय एक्स। तुम क्या करो, ऐड कर दो इसमें टेन इनवर्स 1 बाय एक्स। जैसे ही तुम इसमें ऐड करोगे, तो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो, यहाँ ऐड करोगे तो आंसर में भी तो ऐड होएगा ना। यहाँ ऐड कर दो और इधर भी ऐड कर दो, टेन इनवर्स 1 बाय एक्स। अब आपको बस दिमाग लगाना है इसमें, सॉल्व करना है इसको। अच्छा रुको रुको, ये जो हमने पढ़ा था स्प्लिटिंग, ये 1 बाय एक्स का पढ़ा था ना? बोलते भी नहीं है मैम, क्या कर रहे हो आप? तो आपको ऐड टेन इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। समझ आया? मैंने फॉर्मूला टेन इनवर्स 1 बाय एक्स का पढ़ रखा है, तो मैंने टेन इनवर्स 1 बाय एक्स का फॉर्मूला खोला ना। अब मेरे को टेन इनवर्स एक्स हो चाहिए साथ में, तो मैंने टेन इनवर्स एक्स ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर भी ऐड हो जाएगा, नीचे भी ऐड हो जाएगा। अब एक बात देखो, यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, तो इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर सकती हूँ। ये इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई और प्रॉपर्टी भी लग रही है? ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? पाइवेट के इक्वल होता है। पाई बाय इनवर्स टू एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाय टू के इक्वल होता है, तो ये चीज तो आपको क्या दे देगा? पाई बाय टू। और यहाँ क्या करोगे? टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी पाई बाय टू हो जाएगा। पाई बाय टू में माइनस पाई और कर देना बस, आप तो माइनस पाई बाय टू आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मैम देखो अब आपके क्या है, जो बच गए फॉर्मूले, मतलब दो टाइप के फॉर्मूले और बच गए। एक तो ये है, बच्चे ना इनको डायरेक्ट याद करते हैं, आपको डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स को, मतलब आपको कोई साइन इनवर्स एक्स दे दे, तो आप उसको कोस इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स सब में कैसे चेंज करके लिख सकते हो? साइन इनवर्स एक्स में क्या करो, देखो पहली बात तो आप एक ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, अभी एक क्वेश्चन हमने यूज किया भी था ये, पहले हम वैसे कर चुके हैं फर्स्ट स्लाइड में, तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में मैं इसको क्या मान रही हूँ, थीटा मान लेती हूँ। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा? साइन परपेंडिकुलर थीटा। साइन थीटा इज एक्स है, इसका मतलब क्या है? ये थीटा है आपका, तो परपेंडिकुलर एक्स और हाइपोटेन्यूज वन है। अब एक बात बताओ, एक्स जो है आपका एक ट्रायंगल का साइड है, तो क्या पक्के से ग्रेटर देन 0 होगा? ऐसा तो नहीं है कि ना कोई नेगेटिव साइड को ट्रायंगल की रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, तो ये एक्स इज ग्रेटर देन 0 क्यों ले रखा है? समझ आया? जो भी हम काम कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल में कर रहे हैं, तो ये साइड मेरी ट्रायंगल में जाएगी, साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एक्स इज क्या है? ग्रेटर देन 0। क्लियर है? यस अब मैम यहां से मैंने एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा मैंने जस्ट रिप्रेजेंट कर दिया भाई, पी परपेंडिकुलर एक्स आपका हाइपोटेन्यूज बना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस। यहां से अगर मेरे को कॉस थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा? बी बाय एच, मतलब अंडर रूट बी बाय एच, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा क्या हो अपॉन जाएगा? कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा क्या था आपका? साइन इनवर्स एक्स। बेसिकली तुमने क्या बता दिया, साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है? कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या तुम मेरे को खुद से निकाल के दे सकते हो सिकेंट इनवर्स टेन इनवर्स में क्या रिलेशन आएगा? जैसे मैंने कॉस थीटा निकाला है, वैसे ही तुम क्या निकालो, टेन टेन इनवर्स निकाल लो। एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 10 आ गया। जब टेन थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा? पी बाय बी, मतलब एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा क्या था? साइन इनवर्स एक्स। ये निकल गया आपका दूसरा प्रॉपर्टी इसी के अंदर। ठीक है, सिकेंड इनवर्स की भी निकालोगे भाई, सिकेंड इनवर्स का तो कोस इनवर्स से निकल जाएगा, सेकेंड इनवर्स इक्वल वन वन बाय वन वन, बाय वन वन बाय बाय रूट रूट अंडर वन बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, कॉट इनवर्स का इसे निकाल लोगे, यस मैम कॉसेक का टाइम से क्या रह गया? कोसिकेंट कॉसेक रह गया, कोसिकेंट में तो कुछ करना ही नहीं है, क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स। ठीक है, मतलब तुम खुद डिराइव कर सकते हो ना, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद मत करने बैठ जाना इनको, क्योंकि ये तीन हो गई। एक एक तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, सेम आप कोस इनवर्स एक्स के साथ करोगे, साइन में निकाल, मतलब सारे फॉर्म में निकालोगे, निकाल लोगे ना अब ये दो। ठीक यस यस मैम मैम एक बार पिछले वाली साइड दिखाना। मैम ये पीडीएफ में रहेंगे ना, क्योंकि मैं लिख लूंगा बहुत टाइम लगेगा लिखने में। हाँ ये तो रहेगा इसमें, वो तो वहां क्वेश्चन के नीचे मैंने प्रूफ कर दिया था ना, तो इसलिए मैंने रब कर दिया था वो।
हो गया। देखो सेम आप कर सकते हो ना, मतलब आप कोई भी आपको दे दे तो ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन करो अब इसके ऊपर। देखो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, वैसे तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है। भाई मैंने तुम्हें एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताया होगा स्टार्टिंग वाली क्लास में, भाई अंदर वाले को थीटा पुट कर लो तो 1/3 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसका मतलब ट्रायंगल में लेके जाओगे तो तुम बेस आपका 1 है, हाइपोटेन्यूज 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा क्या? 39 - 1 रूट 8, राइट? यही हो जाएगा। अगर मैंने कॉस इनवर्स 1/3 को थीटा पुट कर लिया, अंदर वाले को थीटा पुट कर दिया, तो तुम्हारा क्वेश्चन बन क्या गया कि तुम्हें साइन थीटा निकालना। अब तुम साइन थीटा नहीं निकाल सकते इसमें, P/H अंडर रूट 8/3 में 3, 3 2√2y में क्या आ गया 3। ठीक है, मैम। चलो ये ट्राई करो। अच्छा आप देखो इसमें अंदर माइनस दे दिया, क्या मैम माइनस को मान ले तुम, लेंगे। हाँ तुम्हें माइनस पहले बाहर लेना पड़ेगा, इसको साथ ही सॉल्व मत कर देना, क्योंकि इससे तो तुम्हारी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव आ जाएगी ना, तो तुम्हें नेगेटिव नहीं करनी होती है ट्रायंगल की साइड, तुम माइनस फाइव बाहर मैम, ले। अच्छा हाँ, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3 लिख थीटा। लो उसको, फिर साइन 180 - थीटा का फॉर्मूला यूज कर लो, उसके बाद अपना ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। ओके आंसर बताओ मुझे इसका। सेम ही है पिछले वाले की तरह, माइनस लगा है बस इसमें। चलो कोई नहीं, सेम ही आ रहा है। सेम ही आएगा, सेम आ रहा है क्या तुम्हें? टू रूट टू टू अपॉन विद टू 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 वाई में 3 आएगा इसका भी। ठीक है, बस एक ही स्टेप में था, इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप किया होगा कि इस माइनस को फाइव चेंज करने के लिए मिनट्स तुमने इसको ऐसे लिख दिया होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। वन अब ये 180 - थीटा वही होता है, साइन कॉस इनवर्स 1/3, पिछले वाला ही क्वेश्चन बन गया तुम्हारा। ठीक है चलो ये ट्राई करो। देखो एक एक चीज देखो, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू पाई बाय 2 दे रखा, तो तुम्हें यहाँ से क्या दिमाग लगना चाहिए कि मेरे को एक प्रॉपर्टी पता है, पाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स के, यस और नो? तो यस मैम, तुम्हारा दिमाग चला कि मैं कैसे भी करके मतलब इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ और फिर कंपेयर कर लूंगी, चल गया? यस मैम। तो कोस इनवर्स एक्स 2/3 को आराम से कर सकते हो अभी ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से यूज करके, उसमें साइन में। √5/3 √5/3, ठीक है। अब आ रहा है क्या बेटा सबका? चलो कर लेना ये आंसर √5/3। नेक्स्ट चलो, एक बार देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। अब अच्छा क्यों है, क्योंकि इन्होंने ना यहाँ एक चीज दे दी आपको कि x < 0 है और 1/x अंदर लिखा हुआ है, तो आपको कैसे ना कैसे करके इसको पॉजिटिव तो बनाना पड़ेगा ना, यस यस या नो? अच्छा अगर x < 0 है तो -x > 0 होगा, मैम, माइनस से मल्टीप्लाई करो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो -x > 0 होगा। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ क्या? यस समस्या है इसमें भाई, माइनस माइनस लगा दिया, प्लस ही होएगा अल्टीमेटली। तो अब टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, -10 इनवर्स थीटा, ऐसे लिख सकती हूँ अब इसको मैं, यस और नो? अब कोस के अंदर माइनस पड़ा है, कुछ फर्क पड़ता नहीं उससे, कोस खा लेता है उसको, तो क्या बनेगा ये 10 इनवर्स 1/-x? क्या मैंने कर दिया क्या, एंगल पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, तुमने बता दिया -x > 0, तो क्या ये पॉजिटिव है?
है ना पॉजिटिव। अब तुम क्या कर सकते हो इसमें, अपना ट्रेंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। कॉस कॉट बन जाएगा। नहीं कॉट नहीं, इसको कोस में चेंज करने की कोशिश करो। अभी तुम फॉर्मूला पीछे पढ़ के आए हो, डायरेक्ट यूज करना हो या फिर ट्रेंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इसको डायरेक्ट लिखोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स। हाँ हाँ बोलो, यही आ रहा है क्या? फाइव प्लस तो कौन सा आंसर हो गया ये? देखो कॉस बाहर है, इनवर्स अंदर है, तो जब डायरेक्टली जो पुट किया वही आंसर आ जाएगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 + x² आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो तुमने समझ आया, कल को तुम्हें ऐसे कुछ दे दे वो कि लेस देन 0 है, तो तुमको किस तरीके से अप्रोच करना है। चलो आगे, यस मैम। चलो ये ट्राई करो। कॉस इनवर्स एक्स को टी पुट कर लो, साइन टी की वैल्यू निकालो, टेन इनवर्स के साथ में टेन आ जाएगा, सॉल्व करो उसके ऊपर। इसको क्या कर लो, थीटा पुट कर लो, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, ट्रायंगल में लगाओ, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपका 1 - x², ये बन क्या जाएगा साइन थीटा। भाई कोस इनवर्स एक्स को मैंने थीटा पुट कर लिया तो बन क्या गया साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, पी बाय एच, तो अंडर रूट 1 - x² ही हो गया। यस ठीक है, अब इसको तो तुम किसमें चेंज कर सकते हो, मैम। वन अपॉन अंडर रूट 1 - x² ठीक है, इसको चेंज कर सकते हो किसमें, कॉट इनवर्स। अच्छा कॉट इनवर्स में चेंज करोगे तो एंगल उल्टा हो जाएगा ना, कोट इनवर्स 1 / √1 - x². अब ये क्या है, कोट बाहर है इनवर्स अंदर है, जो भी डाला हुआ है वही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर, क्लियर है? यस मैम। अच्छा देखो ये आपके तीसरी प्रॉपर्टी आ गई, पहले इसमें साइन वाली समझ लो, बस एक डिराइव करके दिखा दूंगी ताकि तुम्हें ये पता हो आया कहाँ से है। देखो ये चार प्रॉपर्टीज हैं, ये वाली मैं डिराइव करके दिखा रही हूँ कि आया कैसे है ये। ठीक है, बाकी तीन तुम देख लेना, मतलब खुद ट्राई करके देखना चाहो तो खुद ट्राई करके देख लेना, अगर मतलब यूं है थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कर लोगे? ओके देखो इसको आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, यही है देखो, इसी के इक्वल प्रूव करना है मुझे। यस एक काम करो, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई को तुम कुछ ले लो, मतलब थीटा या मैम। फाई जो भी तुम्हें लेना है, एक को थीटा लो और एक को फाई लो। भाई इसको मैंने थीटा मान लिया, इसको मैंने, इसको फाई मान लो, इसको थीटा मान लो, एक ही बात है, कुछ किसी को कुछ भी मान लो। ठीक है, तो यहां से आपका फाई क्या आ जाएगा, नहीं मतलब एक्स क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स को अगर आपने फाई माना है तो एक्स क्या आ जाएगा, साइन फाई, साइन फाई आ जाएगा मैम। और वाई क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, अब एक बात देखो, कंडीशंस ना आपको लेके चलनी है, भाई आप लेके चलो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। एक बात बताओ, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो एक्स साइन फाई के इक्वल है, इसका मतलब साइन फाई भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यस मैम। या फिर आपने इसको पुट किया है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फाइव, आप बोल रहे हो भाई एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपका होता है ऐसे, राइट, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब यहां से और आगे वाले आपको वैल्यूज लेनी है, तो उस केस में फाइव के क्या वैल्यूज मिल सकती हैं आपको,
जीरो टू पाई बाय टू बोल सकता है, बस यही मिलेगा और तो कुछ मिलेगा नहीं। यस सर नो भाई, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो मतलब ये वैल्यूज ले सकते हो, इन वैल्यूज के लिए आपको वही वाली वैल्यूज मिल रही है वाई की, जीरो टू पाई बाय टू। और वाई है क्या, फाइव मतलब जो आउटपुट निकल रहा है वो फाइव तो है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फाइव, तो फाइव की वैल्यू क्या होगी, तो भाई यहाँ से क्या पता चल गया, फाइव क्या है बिलोंगिंग टू जीरो टू पाई बाय टू, यस और नो, जब एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ऐसे ही मैं सेम कंडीशन इसके ऊपर लगाऊंगी कि भाई वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो मेरे को क्या पता चल गया, थीटा जो है आपका जीरो से पाई बाय टू में लाइक करेगा, राइट। अब थीटा फाइव जीरो टू पाई बाय टू लाइक कर रहा है, थीटा जीरो टू पाई बाय टू लाइक कर रहा है, तो थीटा प्लस फाइव कहाँ लाए करेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को ऐड करके देख लो, मिनिमम जीरो जीरो है तो जीरो ही जाएगा, और मैक्सिमम क्या है पाई बाय टू, और पाई बाय टू तो पाई जा सकता है। यस मैम, ठीक है, इतना क्लियर है, ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो आपने क्या कर लिया, थीटा प्लस फाइव मतलब आपने ये लिख दिया इसको, अगर मैं इसका साइन लू तो मेरा आंसर क्या आएगा, साइन फाइव मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन, ठीक है ठीक है। अब देखो आपको साइन फाइव की वैल्यू तो पता है एक्स है, साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है वाई है, आपको निकालना है क्या है, कोस थीटा कोस फाइव, तो आप निकाल सकते हो इजिली भाई, साइन फाइव अगर एक्स है तो कोस फाइव क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यस मैम, ये आपको साइन फाइव दे रखा है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, और एक्स मतलब अब अगर आप साइन स्क्वायर फाइव को चेंज कर दो किस में, वन माइनस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू आ गई वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस फाइव की प्लस माइनस आएगी। देखो माइनस आपको लेनी नहीं, क्यों, क्योंकि फाइव आपका जीरो टू पाई बाय टू पॉजिटिव ही रहना है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से तुम्हें क्या पता चल गया कॉस किसकी वैल्यू निकाली, कॉस फाइव की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सेम आपका कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, पुट कर दो यहाँ पे, साइन फाइव की वैल्यू है एक्स, कॉस थीटा की है वन माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कॉस फाइव की वैल्यू है रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू है वाई, इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लो, यही आएगा। yes. अब मैं क्या करती हूँ, मतलब साइन इनवर्स मतलब अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये मेरा इसकी वैल्यू निकली है, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस, अरे मैंने दोनों जगह वाई वाई कैसे लिख दिया, एक्स अंडर रूट वन, यहाँ एक्स आएगा ना, यहाँ तक आया समझ, अच्छा तुम देख रहे होगे कुछ कुछ फॉर्मूला निकल आया है, कुछ कुछ निकल आया है, ये मैंने गलत लिखा हो ना फॉर्मूले में, साइन इनवर्स बाहर आएगा, मैंने गलती से लिख दिया, मतलब आरएचएस तो आपका क्रिएट हो गया है, दिख रहा है, क्रिएट हो गया, दिक्कत कहाँ आ रही है, एलएचएस में आ रही है। अब ये चीज तुम पढ़ के आए हो, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाइव, तुमने ग्राफ बनाया था तो तुमने वो लाइंस ड्रॉ करके इक्वेशंस निकाल के फिर देखा था, अगर यहाँ से यहाँ लाया करा तो ये वाली लाइन का इक्वेशन यूज करके आंसर निकालूंगी, यहाँ से यहाँ करा तो ये वाली लाइन, ऐसे देखा था कि नहीं भाई, तुम्हारा ये है साइन थीटा प्लस फाइव, और कंडीशन आप लिख लो, जो आपका थीटा प्लस फाइव है वो आपने बताया जीरो टू पाई लाई कर रहा है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका ग्राफ मैंने आपको सिखाया था, उसमें से सिर्फ हमें इतना ही पोर्शन चाहिए जीरो टू पाई वाला, क्योंकि हम इनपुट जीरो टू जो डाल रहे हैं वो जीरो टू पाई बिलोंग करता है, तो सिर्फ जीरो टू पाई वाला ग्राफ बना लो, क्या इसी तरीके का बनता है जीरो टू पाई। Yes, ma'am. यहाँ जीरो था यहाँ पाई था, ये था आपका पाई बाय टू, तो यहाँ पर दो जगह आपकी क्या हो जाएगी, कंडीशन स्प्लिट हो जाएगी, जीरो टू पाई बाय टू तो आप ये वाली लाइन की इक्वेशन यूज करोगे, और पाई बाय टू टू पाई आप इस वाली लाइन की इक्वेशन यूज करोगे, यस और नो। Yes, ma'am. इस लाइन की इक्वेशन क्या है y is equals to x, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है y is equals to minus x plus pi, बेटा इंटरसेप्ट भी निकालोगे ना, c की वैल्यू निकालोगे, ये आता है ना सबको, कैसे निकाली मैंने भाई, इस लाइन की इक्वेशन होती है y is equals to mx plus c, अब नेगेटिव स्लोप होएगा 135 एंगल tan 135 माइनस 1 होता तो y is equals to minus x plus c, तुम्हें पता है ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है पाई कोमा जीरो,
पुट कर दो इसके अंदर, क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आगी, पाई। तो बस यहाँ पुट करनी है आपको, एम की जगह माइनस वन, सी की जगह पाई, तो माइनस एक्स प्लस पाई आ जाएगा। बोलो। यस मैम। ठीक है, तो मेरे को ये चीज मुझे आंसर सेम दे देगी, कब, जब मैं जीरो से पाई बाई टू की बात कर रही हूँ, यस और नो, जीरो टू पाई बाई टू की, जब थीटा प्लस पाई आपका जो भी अंदर डाल रहे हो ये जीरो टू पाई बाई टू है, तो मैं वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन यूज करूंगी, मतलब जो इनपुट डाल रही हूँ वही आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्टली ये आंसर देगा जब आपका बिलोंग करे जीरो टू पाई बाई टू, लेकिन जब आप पाई बाई टू टू पाई जाओगे तो ध्यान से देखो क्या आपका आंसर मिलेगा, माइनस एक्स प्लस पाई, मतलब क्या मैं ऐसे लिख दू पाई माइनस एक्स, मतलब एक्स जो मैं पुट कर रही हूँ अंदर, थीटा प्लस पाई मैंने पुट किया है, तो एक्स की जगह मैंने थीटा प्लस पाई रख दिया और पाई तो आई तुम्हारा, थाई तुम्हारा, तो क्या ये आंसर देगा मुझे, ये वाली लाइन यूज किया बेटा मैंने, भाई पाई बाय टू से पाई तो आपको ये वाली लाइन यूज करनी पड़ेगी ना, पाई बाय टू से पाई कोई भी इनपुट डाल रहे हो तो यहीं कहीं बीच में लाया करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी लाइन ये वाली है, तो आप पुट करोगे इसमें, एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, थीटा प्लस फाइव। क्लियर हुआ, दो आंसर टू मिल रहे हैं। यस मैम। तो आप बस पुट कर दो, ये तुमने साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाइव निकाल लिया, थीटा प्लस फाइव जब जीरो टू पाई बाय टू है, तो अपना एंगल डाल दो उधर, ध्यान से देखो क्या आ जाएगा आपका, भाई साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस पाई आपका बेसिकली क्या था, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर। यस मैम। मैंने बोला है जब 0 टू पाई बाय 2, जब थीटा प्लस फाई बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई बाय 2, तो आपका आंसर आ रहा है थीटा प्लस फाई, तो मैं लिख दूं थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर, यस और नो। थीटा प्लस फाई क्या था, थीटा तुमने किसको पुट किया था, साइन इनवर्स y को, फाई तुमने पुट किया था साइन इनवर्स x को, तो ये आ गया इसके इक्वल। कंडीशंस क्या क्या लगाई थी तुम, दो कंडीशन तो चले थे क्या, x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0, दूसरी क्या आपकी ये आ गई सॉल्व करते करते क्या, कि थीटा प्लस पाई कहां से बिलोंग करना चाहिए, 0 to पाई by 2, ठीक है, इतना समझ आया। देखो ये मेरा ये वाला पार्ट निकल गया, एक मिनट पीछे चलो, ये वाला पार्ट निकल गया मेरा, अच्छा उन्होंने एक ही लिखा हुआ है, इसके दो आंसर होते हैं, मेरा मतलब पहला निकल गया, दिख रहा है ना तुम्हें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब है, जब x is greater than equals to 0, y is greater than equals to 0, और theta plus phi मेरा क्या आ रहा है, belongs to 0 to pi by 2। अभी देखो इसमें दो conditions और निकलेंगे, अभी निकालेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, यही लिख दूं क्या, pi minus, चलो समझाना ही पड़ेगा, आगे चलो। देखो दूसरे का आपका आंसर क्या आ रहा था, pi minus theta plus phi, तो ये मेरे को वैल्यू क्या देगा, पाई माइनस थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू एज इट इज जो आरएचएस है वो लिख दो प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसने मेरे को कब दी है वैल्यू, जब थीटा प्लस फाई क्या है, बिलोंग्स टू पाई बाय टू से पाई है, तो यहां से मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं क्या करूंगी इसको राइट में शिफ्ट कर दूंगी और राइट वाले को लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगी, तो क्या तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, थीटा प्लस वाई के इक्वल, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, बताओ समझ आया, दो फॉर्मूले हैं ये, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये होता है, इसकी कंडीशन दो तो तुम्हारी हो ही गई है कि भाई ये तुम लेके चले थे और एक अभी प्रूव करवाऊंगी, और एक तुम्हारा क्या हो गया, डायरेक्टली साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू दिस, एक में पाई में से माइनस कर रहे हो, एक में एज इट इज लिख रहे हो, इतना क्लियर हुआ। yes, sir. अब तुम्हें कंडीशन क्या ड्राइव करनी है, देखो उसके लिए आप ये वाला लेके चलो पॉइंट, थीटा प्लस पाई जो है आपका क्या है, जीरो टू पाई बाय टू बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इतनी बात तो क्लियर है, थीटा प्लस पाई जो है लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय टू ही होगा, इससे बड़ा तो होगा नहीं इस केस में, भाई मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय टू तक जा रही है, ये रही पाई बाय टू, थीटा प्लस फाइव जीरो टू पाई बाय टू है, पाई बाय टू से आगे कोई वैल्यू डाल सकते हो इसमें, नहीं ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे ना, क्योंकि जीरो टू पाई बाय टू डाल सकते हो, यहां से मैं क्या निकालूंगी,
अच्छा यहाँ वैल्यूज पुट कर लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय टू। साइन इनवर्स एक्स को इधर ही रख लो, पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई, राइट, मैं उसको राइट में ले गई। पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, कॉस इनवर्स वाई। अब कॉस इनवर्स वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट कॉस इनवर्स वाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई बाय टू माइनस। नहीं नहीं वो तो वहां से तो आए हो तुम, वहां से तो तुम आए हो। साइन इनवर्स ट्रायंगल वाला कांसेप्ट यूज करके कैसे नहीं लिख सकती क्या, साइन इनवर्स 1 बाय मतलब 1 माइनस 1 बाय रूट अंडर अंडर रूट 1 माइनस 1। ठीक है, अब एक बात देखो, एक चीज तुम्हें बताई गई होगी, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटी वैल्यू पे वैल्यू निकालूंगी और बड़ी वैल्यू पे वैल्यू निकालूंगी। मान लो मैंने यहाँ कोई नंबर पकड़ लिया, ठीक है, एक्स वन पकड़ लिया और इधर कोई एक्स टू पकड़ लिया, अगर एक्स वन इज लेस देन एक्स टू है तो क्या साइन इनवर्स एक्स वन इज लेस देन एक्स टू है, साइन इनवर्स एक्स टू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे ये मिल रही है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे ये मिल रही है, ये है आपका साइन इनवर्स एक्स वन, ये है आपका साइन इनवर्स एक्स टू, क्या ये भी छोटा है, साइन इनवर्स एक्स वन छोटा है साइन इनवर्स एक्स टू से, ऐसे बैठ जाते हो तुम। इतनी बार बता दूंगी तुम्हें कॉन्सेप्ट की, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम आंसर देगा, मैक्सिमम वैल्यू पे मैक्सिमम आंसर मिलेगा। ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू मेरी क्या है, ये मेरे को आउटपुट क्या मिलता है जब मैं साइन इनवर्स में एक्स वन पुट कर दूंगी तभी मिलेगा, और ये मेरे को कब मिलेगा, यहाँ वाला, जब मैं साइन इनवर्स में एक्स टू पुट कर दूंगी। अब तुम्हें दिख रहा है एक्स वन छोटा है एक्स टू से, भाई नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, एक्स वन छोटा एक्स टू से, तो उस केस में मेरा साइन इनवर्स एक्स वन जो है तुम्हें दिख रहा है वो भी क्या है, साइन इनवर्स एक्स टू से छोटा है कि नहीं। तो अगर मेरे को ये दे रखा हो साइन इनवर्स एक्स वन इज लेस देन साइन इनवर्स एक्स टू, तो क्या मैं डायरेक्टली ये लिख सकती हूँ एक्स वन इज लेस देन एक्स टू। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, क्या डायरेक्टली लिख दूं दिस इज लेस देन इक्वल्स टू वन माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका क्या करो, स्क्वायर करो, स्क्वायर करो, जो पोर्शन है उसको लेफ्ट में ले आओ, तो तुम्हारी सॉल्यूशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वन। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें कंडीशन ये आ गई, तुम्हें क्वेश्चन दे रखा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू निकालो, तुम्हें क्या चेक करना है, एक्स और वाई चेक करना है, स्क्वायर करो, एड करो, अगर वो लेस देन वन आ रहा है, इक्वल टू वन आ रहा है, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला कौन सा था तुम्हारा, ये वाला जिसमें थीटा प्लस वाई बिलोंग्स टू पाई बाय टू टू पाई था, यहाँ कौन सी कंडीशन लगा के चलोगे तुम, थीटा प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई बाय टू, यहाँ पे यही है भाई, मिनिमम वैल्यू पाई बाय टू है, उससे बड़ा होएगा इसके इक्वल है, ये वाली कंडीशन लगा के चलोगे तो तुम्हारा क्या आएगा आंसर, मतलब जब तुम रिजल्ट निकालोगे इस केस में तुम्हारा रिजल्ट आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, उल्टा हो गया, मतलब यहाँ लेस देन वन था यहाँ ग्रेटर देन वन था। तो मतलब तुम्हें क्या समझ आया है, जब भी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दिया हो तुम क्या देखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेक करोगे, अगर लेस देन इक्वल्स टू वन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला जिसमें तुम्हारा डायरेक्टली इक्वल है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुम स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो चेक कर रहे हो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है तो उस केस में तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला पाई माइनस साइन इनवर्स जो भी आपका, क्लियर है। यहाँ पे नोट कर लो, तो इन्होंने कंडीशन दे नहीं रखी भाई, ये दो तो तुमने नोट कर ली, साथ में इसके लिए कौन सी कंडीशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू वन, और यही पाई माइनस साइन इनवर्स x plus 1 minus y square plus y into 1 minus x square के equal आएगा, जब x greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 and x square plus y square is greater than equal to 0. दो टर्म्स में स्प्लिट, सेम आपका क्या है डेरिवेशन, देखो यहाँ तो ये दो में स्प्लिट हो गया फॉर्मूला, यहाँ पे एक ही है ये फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे ये दो में स्प्लिट नहीं होता, क्लियर है। तो ये बाकी के अब तुम फॉर्मूला याद कर लेना, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक बता दिया, इसका प्रूफ करना नहीं है तुम्हें, बहुत बड़ा प्रूफ है, ठीक है। सेम आपका कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई के साथ कुछ भी नहीं है, थीटा फाई पुट करके सेम कंडीशंस निकाल रखी हैं, ये चार फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, क्लियर है। अब एक अप्लाई करके देख लो क्वेश्चन,
यहाँ कर लो ठीक है। देखो मान लो तुम्हें ये दे रखा हो साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3, ये आपको निकालना है। तुम पहले क्या चेक करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेक करो, तो 1/9 प्लस 4/9 ये हो गया 5/9, 5/9 इज लेस देन 1 है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, डायरेक्टली फर्स्ट वाला, देखो ये वाला जब, हाँ जिसमें डायरेक्ट था पाई था ही नहीं, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट आपको अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, कर लोगे ठीक है। मतलब मैं सिर्फ अप्लाई करना बता रही हूँ इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। मान लो ये ग्रेटर देन वन आ जाता तो तुम कौन सा करते, पाई माइनस साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करते ठीक है। चमक गया ना, मतलब यूं नहीं है अंधे चल रहे हो, कहां से आगे चीजें याद कर रहे हैं। चमक गया ना मैम, टेन में ऐसा नहीं होता क्या, टेन कोसाइन, टेन और कोसाइन। नहीं 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 हाँ होता है ना, टेन के भी दिखा रही थी, टेन में भी सेम है। टेन का देखो पहले एक बार इस पे क्वेश्चन कर लेते, चलो मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, वैसे तो तुम्हें याद ही करना है, वो डेरिवेशन तो एक ही कराना था। देखो ये अब टेन इनवर्स की ये है फॉर्मूले, क्या करोगे तुम, इसको थीटा पुट करोगे, इसको फाई पुट करोगे, थीटा प्लस फाई। अब फिर तुमने देखो साइन वाले में तुमने साइन लिया था, इसमें तुम क्या लोगे, टेन ले लो। बहुत सारी स्क्रीन दिख रही है, छोटी सी दिख रही है स्क्रीन में, बहुत सारी है पेजेस। क्या दिख गया तुम्हें, अभी भी नहीं दिख रहा था कुछ, छोटे छोटे पेजेस दिख रहे हैं। अभी बताना, अब हाँ ठीक है अंकित, मुझे दिख गया, मैंने भी फोन से ज्वाइन कर रखा है ना। तो देखो ऐसे ही क्या था, तुमने पिछले वाले साइन वाले केस में थीटा फाइव पुट किया था, उसके बाद तुमने देखो साइन में साइन वाला फॉर्मूला था तो साइन लगा दिया था, तुम यहाँ कर दो टेन लगा दो, टेन थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव, यही होगा टेन ए प्लस बी का ठीक है। अब तुमने थीटा किसको पुट किया है, टेन इनवर्स एक्स को, ध्यान से देखो मैंने टेन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर दिया, टेन इनवर्स वाई को मैंने क्या पुट कर दिया फाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से टेन थीटा, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन फाई। तो मैं पुट कर दू यहाँ पे एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये मेरी वैल्यू आई है टेन थीटा प्लस फाई की। इसको मैं ऐसे लिख दू टेन इनवर्स tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, आ गया देखो यही आ गया। अब बात क्या है, ये चेंज क्यों हो रहा है, प्लस पाई माइनस पाई किस वजह से हो रहा है, ये तुम्हें अभी आगे जो मैंने बताया था ना इसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा इसका, ऐसा कुछ ठीक है। यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन से, जैसे हमने साइन के लिए चेक किया है दो हमारी लाइंस बन रही हैं, तो उसके लिए चेक करके जब तुम निकालोगे कंडीशन सेम जो पीछे क्वेश्चन में करके आए हो सेम कंडीशन निकालोगे, तो आपका प्लस पाई माइनस पाई भी आ जाएगा, जैसे हमारा साइन में आया था ना पाई में से माइनस कर रहे थे उसी तरीके से यहाँ भी आ जाएगा ठीक है। तो ये दो कंडीशन तो आपकी वहां से निकल ही जाएंगी, और ठीक है ये वाली भी निकल जाएगी, एक एक और थी इन्होंने लिखी नहीं रखी कंडीशन, एक्स वाई इज इक्वल्स टू वन वाली कंडीशन, एक बार एक्स वाई को वन पुट करो क्वेश्चन में, देखो एक कंडीशन और लिख लो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और एक्स वाई इज इक्वल्स टू वन। जब तुम एक्स वाई को, अब तुम्हें इसके लिए कोई अलग से प्रूफ की जरूरत नहीं है, अब एक्स वाई को वन पुट करो, जब भी एक्स वाई को वन पुट करोगे तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है, इन्फिनिटी बनेगा अंदर, इन्फिनिटी अंदर बन गया तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है आपका पाई बाय टू, तो आपको उस केस में क्या मिलेगा, सिर्फ पाई बाय टू ही आंसर मिलेगा जब एक्स वाई की वैल्यू क्या है वन ठीक है। ये तुम ट्राई करके देखना, अगर तुम प्रूफ कर पा रहे हो, अदरवाइज मैं करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है ये, तुम्हें बाकी फॉर्मूले याद करने हैं, क्लियर है ठीक है ना। यस ऐसे ही आपका माइनस वाला है ठीक है, देखो एक दो क्वेश्चन कर लो उस पे, ये तो नया हो गया तुम कर नहीं पाओगे, अभी टाइम हो गया हमारा, पर ये हम कर सकते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन
कोस इनवर्स 12/30 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 60 आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव कर सकते हो क्या आप? यस मैम, कर लिया था मैंने अभी। देखो साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है, इसको किस में चेंज कर लो? कोस इनवर्स में चेंज कर लो। कोस इनवर्स में चेंज कर लिया ना, हाँ कोस को चेंज कर लो, कोस इनवर्स को चेंज करो साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। देखो ये लगा भी रखा है इन्होंने, कोस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, सॉरी कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एंगल अलग अलग है ना, तो मैंने इसको चेंज कर लिया साइन में, साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा, ट्रायंगल लगा के कर लेना, ये आपका साइन में पढ़ाई रहने दो। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया बस उन्होंने, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है? क्योंकि जब तुम 5/13 का स्क्वायर करोगे, 3/5 का स्क्वायर करोगे, वो आपका क्या आएगा, लेस देन, ऐड करोगे तो वो लेस देन 1 आएगा पक्के से। क्लियर है? कर लोगे? डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अच्छा ये हो रहा है क्वेश्चन, अब इसमें क्या करोगे? देखो इसमें अब तीन तीन दे दी इन्होंने, तुम क्या करो एक को उधर ले जाओ, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स जेड हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। अब इसने क्या बोल दिया, दोनों तरफ कोस लगा दिया, इधर भी कोस लगा दिया और उधर भी कोस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, फॉर्मूला ओपन कर दिया अपना, क्लियर है। फॉर्मूला ओपन करने के बाद कोस पाई माइनस कोस इनवर्स जेड को इन्होंने माइनस जेड रख दिया, उसके बाद इन्होंने स्क्वायर कर रखा है, ठीक है। एक बार ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन इसमें लिखा हुआ है। टाइम क्या हो गया? 10:23। कितने बजे तक होती है हमारी क्लास? 10:30 तक ही, 10:30 तक। देखो इन्होंने क्या कर रखा है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का पहले फॉर्मूला लगा लेना, डायरेक्टली कोस मल्टीप्लाई करना। जब इसका फॉर्मूला लगाओगे तो क्या है इसका फॉर्मूला, लगा लोगे cos inverse x plus cos inverse y का ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। yes, ma'am. ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे तुम्हारा ये आएगा, देखो फॉर्मूला लगाया तो तुम्हारा ये बन गया। अच्छा ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये इन्होंने ओपन करके लिखा हुआ है इसको, मतलब एक रूट लेके और फिर मल्टीप्लाई करके ओपन करके लिखा हुआ, और कुछ नहीं लिखा हुआ। यहाँ भी आपका cos inverse आ गया, ठीक है, और लेफ्ट में राइट में आपका क्या पड़ा था, पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। अब ये क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ कोस ले रहे हैं, इधर कोस लोगे, एक बात बताओ कोस बाहर है कोस इनवर्स अंदर है, तो जो अंदर एंगल था वही आ जाएगा, वही आ गया। और राइट में कोस लोगे तो कोस पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस थीटा होता है। अच्छा विद अ माइनस साइन वो कोस खा जाएगा, हाँ नहीं 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 कोस पाई माइनस थीटा बेटा माइनस कोस थीटा होता है ना, तो माइनस तो बाहर आ गया, अंदर थोड़ी है उसके, समझ आया, कोस माइनस थीटा, ठीक है, तो माइनस बाहर आ गया। अच्छा अब कोस थीटा बचेगा, अंदर बचेगा कोस ऑफ कोस इनवर्स जेड, कोस बाहर है इनवर्स अंदर है, तो डायरेक्टली जो आंसर मतलब इनपुट है वही आ जाएगा, तो माइनस जेड आपका राइट हैंड साइड से आ गया। अब इन्होंने इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखो क्वेश्चन स्क्वायर क्यों किया, क्वेश्चन में इतना सिंपल सा कुछ पूछा हुआ है, रूट की जरूरत ही नहीं है, तो इन्होंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलो एक एक और ट्राई कर लो बस, फिर चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, आज लंबा हो गया ना लेक्चर बहुत, तो शुरू भी टाइम पे किया था बिल्कुल। कैसे करोगे इसको, भाई इसको तुम उधर ले जाओ, पाई बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स एक्स बनेगा, देखो इसको तुम ले गए उधर, पाई बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स एक्स बन गया। अब साइन इनवर्स 1/x है, इसको कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ये इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप है, तुम्हें देख के क्या लग रहा है इन्होंने क्या किया है, दोनों तरफ या तो साइन ले लो, ठीक है, जैसे दोनों तरफ साइन ले लोगे तो साइन बाहर है साइन इनवर्स अंदर है, तो एज इट इज जो इनपुट है वही आ जाएगा। इधर भी तुमने क्या ले लिया, साइन ले लिया, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 2 साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लेना, ठीक है, यहां से साइन सॉरी 2 sin inverse क्या आ जाएगा, देखो यहां से sin inverse x आपका क्या आएगा, थीटा बाय 2, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से sin थीटा बाय 2 आ जाएगी ना,
हो गया, रुको। टू साइन इनवर्स एक्स को थीटा पुट कर रही हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, थीटा बाय टू। एक्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय टू। अच्छा मैंने इसको थीटा पुट कर लिया, ये बन क्या गया आपका, कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा नहीं निकाल सकते आप, वो वाला यस फॉर्मूला यूज करके, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। भाई साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू तुम्हें पता है एक्स, यहाँ से सर, तुम्हारी कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी ना, देखो यही निकलेगी 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, करके देख लेना, पुटी करना और कुछ नहीं करना, साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वैल्यू निकल गई मेरी, तो मैंने इसको 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से मैंने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके, तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक्स की 0 और 1 बाय। अब देखो ये 1 बाय 2 वैल्यू आई है ना, ये मैंने इसमें पुट करके देखा तो मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा, पुट करके देखा तो मेरा यहाँ जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ मेरा आंसर आता है -π/6, और RHS मेरा क्या है, π/2, तो ये तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब मेरा x की देखो वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, बच क्या गया, x = 0, ठीक है। तो x = 0 क्या, जब पुट करोगे ना तो π/2 आंसर आएगा, तो तुमने क्या बता दिया, x = 0 इसका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। वैल्यू निकालनी थी एक्स की, क्लियर है, ठीक है ना, बाकी यस उसका प्रूफ देते हैं। अच्छा देखो अभी ये मैंने तुम्हें करा निकाल दिए साइन वाले।